आपने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया? देखिए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं था तो बगावत का सवाल ही नहीं उठता। मैं सामाजिक कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि से रहा हूँ, एडवोकेट हूँ और लगातार बिलासपुर के मामलों के लिए संघर्ष करता रहा। आज मुझे लगता है कि बिलासपुर की आवाज़ उठाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जिन प्रत्याशियों का चयन किया है वो सही नहीं है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है, इसको एक अच्छे और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है और ऐसे समय में जब लोग दुर्ग भिलाई के लोगों को प्रस्ताव प्रत्याशी बना रहे हैं तो क्या मतलब ये माना जाए कि बिलासपुर में कोई इस व्यक्ति लायक नहीं है? तो ये तो अस्मिता का सवाल हो गया बिलासपुर की। और ऐसी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ेंगे और इसलिए मैंने नामांकन पत्र लिया है और इस चुनाव में हम भागीदारी करेंगे। आपका कांग्रेस से आपका प्यार रहा है, मतलब आप कांग्रेस के सपोर्ट में कई बार उतरे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस से क्यों नहीं मान? देखिए, मैं 18 साल की उम्र से वोट डाल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कम से कम 3-4 बार भाजपा को भी वोट डाला है, 3-4 बार कांग्रेस को भी वोट डाला है, 1-2 बार बसपा को भी वोट डाला है। तो मैं संविधान में जो मुझे अधिकार था उसके तहत एक आम नागरिक वोटर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। अब मेरी भूमिका बदल गई है, अब मैं चुनाव में खुद भागीदारी कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा कार्यकाल है इस रूप में वो एकदम नया है, इसको पिछले किसी उससे संबंधों से जोड़ के नहीं देखा जा रहा। आप विरोध के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण? देखिए, चुनाव में जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप जीतने के लिए भरते हैं, विरोध के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के विरोध कर रहे हैं आप, ये बड़ी पार्टियां हैं, इनके सामने विरोध। हम बिलासपुर की अस्मिता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बिलासपुर को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। बिलासपुर ने अपने जीवन में चाहे रेलवे जोन हो, हाई कोर्ट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, बिना लड़ाई के क्या मिला है? कोई सरकार आके बोले कि हमने पहले से आके आपको ये चीज़ दी। एनटीपीसी के धूल हम लोग खाते हैं, एनटीपीसी के पैसे का IIIT नया रायपुर में बनता है। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। बिलासपुर का जो अपेक्षा है वो और बर्दाश्त नहीं की जाएगी।